हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको आलू लोबिया की सब्जी बनाना सिखाने जा रही हूँ। हमने आलू लिए हैं, आलू के पीस कर लिए हैं। हमने प्याज लिया है, हमने लहसुन लिया है, हमने मिर्च बारीक काटी है, हमने अदरक का पेस्ट बनाया है, हमने टमाटर लिया है, हमने लोबिया काट रखी है। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हमने कढ़ाई ली है, कढ़ाई हमारी अच्छे से गर्म हो गई है। अब हम इसमें ऑयल डाल रहे हैं। ऑयल हमारा गरम हो गया है, सबसे पहले हम इसमें जीरा डालेंगे। अब हम इसमें लहसुन डाल रहे हैं। लहसुन को हमें ब्राउन करना है। अब हम इसमें अदरक का पेस्ट भी डाल देंगे। लहसुन हमारा हल्का ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को हम हल्का ब्राउन कर लेंगे। देखिए प्याज हमारा हल्का ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। इसको भी 2 मिनट भून लेंगे अच्छे से। हमने मिर्च को 2 मिनट अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें लोबिया डालेंगे। अच्छे से 5 मिनट पका लेंगे हम। हमने 5 मिनट अच्छे से पका लिया है। अब हम इसमें आलू डाल देंगे। आलू को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी डाल रहे हैं, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ा सा हम गरम मसाला डाल रहे हैं, 1 चम्मच हम लाल मिर्च डाल देंगे, 1 चम्मच हम नमक डाल रहे हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। पका लेंगे जिससे कि हमारे टमाटर अच्छे से पक जाए। देखिए टमाटर हमारा अच्छी तरह पक चुका है। अब हम इसे 20 से 25 मिनट पका लेंगे ढककर। 20 से 25 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें हरी धनिया डाल देंगे। और इसे हम 2 मिनट और पका लेंगे। हमारी आलू और लोबिया की सब्जी बनके तैयार हो गई है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये हमारी आलू लोबिया की सब्जी बनके तैयार हो गई है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल की घंटी जरूर दबाएं। एक बार ट्राई ज़रूर करें, बहुत ही ईजी है बनाना।